नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम आपको करनाल के एक ऐसे इलाके की खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हैरानी की बात है कि हरियाणा का हुड्डा विभाग करनाल में सेक्टरों को विकसित तो करता जा रहा है, लेकिन जब सेक्टर विकसित होने लगते हैं तो वहां पर पैदा होने वाली समस्याओं पर यही विभाग गौर नहीं करता। करनाल में सेक्टर 32 की गिनती पोश एरिया में होती है। लोगों का बड़ा मन करता है कि वह भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर इसी सेक्टर 32 में अपना एक घर बना ले, क्योंकि लोगों को लगता है कि यह क्षेत्र ना केवल खुला है बल्कि यहाँ लोगों की चहल पहल भी रहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोगों की चहल कदमी यहाँ अक्सर रहती है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ एक बड़ा होटल है जहाँ बच्चों को सेल्फी लेने में मजा आता है। सुबह और शाम के समय पक्षियों की चहचहाट लोगों की तबीयत में शहद घोल देती है। धीरे धीरे सेक्टर 32 विकसित होता है। माना जाता है कि करीब 50% से अधिक यह सेक्टर विकसित हो चुका है। यहाँ खास बात यह है कि लोगों को चलने के लिए चौड़ी और पक्की सड़कें दी गई हैं। लेकिन कुछ महीनों से हुड्डा विभाग ने यहाँ मौजूद असुविधाओं को लेकर अपनी आंखें पूरी तरह से मूंद ली है, जिससे कि अब सेक्टर 32 के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अब यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होने लगी है। आप भी सोचते होंगे कि जब सड़कें इतनी चौड़ी हैं तो भला सड़क दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं। यहाँ सड़क दुर्घटनाओं का कारण सड़कें नहीं बल्कि वह पशु हैं जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर घूमते रहते हैं। यहाँ साइकिलिंग करने वाले बच्चे और लोग, दो पहिया वाहनों को चलाने वाले लोग भी परेशान हैं। कई तो चोटिल भी हो चुके हैं। इसकी शिकायत भी लोग हुड्डा विभाग को कर चुके हैं। मजाल है हुड्डा विभाग ने इस ओर कोई ध्यान भी दिया हो। इसके अलावा पुलिस की गश्त यहाँ यदाकदा ही देखने को मिलती है। आज हमने इन सभी समस्याओं को लेकर ना केवल सड़कों पर दौरा किया बल्कि लोगों से बातचीत भी की। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नहीं, किसकी इजाजत है आपको जो यहाँ लेकर आए इन भेड़ों को? नहीं, अपने आप आ जाती है। ये सेक्टर है या वो है खेत है? ये सेक्टर है या खेत है? सेक्टर है जी। फिर पता नहीं तुम्हारे को? अपना उठाओ, खोल के भेज दो। कल को कोई नुकसान होगा तुम जिम्मेदार होंगे तुम। कल को कोई नुकसान होगा पब्लिक का, बरदोगे जिम्मेदारी? है लेज रे जी, आगे से आगे कोई तरीका थोड़ा ना है। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 32। कभी आपको याद होगा, बरसों पुरानी बात है, कभी मॉडल टाउन नंबर 1 माना जाता था करनाल का। यानी कि करनाल के लोगों की सबसे पहली पसंद थी मॉडल टाउन में रहना। आज भी भले ही वहाँ हरियाली हो लेकिन मॉडल टाउन ही है और लोग मुझे आज भी बेहद पसंद करते हैं। उसके बाद सेक्टर बने, सेक्टर 13 सबसे पॉपुलर हुआ, फिर सेक्टर 14 बना। इस तरह से करनाल का विस्तार होता गया। लेकिन सेक्टर हुड्डा विभाग ने सेक्टर जरूर काटे लोगों की सुविधाओं के लिए। वहाँ पार्क बने, दुकानें बने, शॉप बने बड़ी बड़ी, इस तरह से बड़े बड़े मॉल बन गए सेक्टरों में और लोगों को लगा कि करनाल काफ़ी डेवलप हो गया। अब इसी कड़ी में नाम आता है सेक्टर 32 का। आज सेक्टर 32 को बड़ा पाश इलाका माना जाता है, क्यों ना माना जाए। पहले हालांकि अगर आप इन्हें 2 साल पहले अगर यहाँ भ्रमण किया हो या आए हो तो यहाँ जदा कदा ही कोई कोठी या मकान देखने को मिलता था। हाँ, मेरे पीछे आप ज़रूर देख रहे होंगे, ये नूर महल है सेक्टर 32 का। और सेक्टर 32 की पहचान शायद नूर महल की वजह से बनी थी। यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते थे, यहाँ विदेशों तक के लोग आते हैं ठहरने, यहाँ ठहरते हैं, यहाँ बड़े बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं, शादी समारोह होते हैं, काफ़ी महंगा माना जाता है। लेकिन इसे भी कोरोना की मार लग गई। आप देख लीजिए, कोरोना में काफ़ी समय ये बंद रहा। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि होटल समुदाय जो है, जो होटल का काम करते हैं रेस्टोरेंट का, उनको 50 आदमी अलाउड है। अब आप बताइए, इतना बड़ा जो है ये महल की तरह, ये नूर महल जो बनाया गया है, इसमें 50 की बजाय अब प्रशासन ने फिर जो है 30 की कटौती कर दी। भी 30 होने चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 30 आदमी आयोजन करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा तो आदमी
मंदिर या धर्मशाला में कहीं अरेंज कर ले, लेकिन बात हम सेक्टर 32 की कर रहे हैं। सेक्टर 32 की में सुविधाएं भी बहुत हैं। यहाँ आप देखिए ये लड़के खड़े हैं, ये कभी सेल्फी लेने आते हैं इधर, मनोरंजन के भी यहाँ कई साधन हैं। सेल्फी जो नूर महल को समझा जाता है कि नूर महल के आगे एक बड़ी सेल्फी अगर हो जाए तो वो बड़ी अच्छी मानी जाती है। चौड़ी सड़कें हैं, मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी को दिखाऊंगा कि वह वो सड़कें भी आपको दिखाए किस तरह से ये लंबी सड़कें चौड़ी काफ़ी चौड़ी 30-30 फुट चौड़ाई है शायद इसकी, बहुत बड़ी सड़कें हैं। यहाँ अक्सर जो है लोग कार सीखने के लिए आते हैं, साइकिलिंग सीखने के लिए आते हैं, यहाँ कई बार जो युवा वर्ग है वो मोटरसाइकिल पर स्टंट भी करता है। यही नहीं, हमने आपको कई समय पहले कार स्टंट की एक खबर दिखाई थी, वो स्टंट भी इस जगह पे हुए थे। ये देखिए यहाँ खेल का मैदान, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आप देखिए कितने घोड़े। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वो नज़दीक से उसको जूम कर लिए दिखाइए। अब ये गांव के लोग यानी कि बुड्ढा खेड़ा देख लीजिए कितनी दूर पड़ता है, हालाँकि पड़ता तो पास ही है, लेकिन यहाँ वहाँ के जो बाशिंदे हैं यहाँ अब घोड़े लेकर आए हुए हैं। ये कोई 5-10 घोड़े नहीं है बल्कि इनकी संख्या 50-100 में है। अब आप ये बताइए कि अगर घोड़े जब सड़क पे निकलेंगे तो यहाँ बच्चे साइकिलिंग भी करते हैं, कई महिलाएं यहाँ सैर करती हैं, युवक जो है या जो वृद्ध हैं वो बाइक पर आते जाते हैं। इसके अलावा घोड़ों के अलावा यहाँ भीड़ें बहुत मात्रा में चलाई जाती हैं, यानी कि ये धीरे धीरे जो है सेक्टर 32 जो है ये बनता जा रहा है घोड़ों की चारगाह, यानी कि लोग जो घोड़े चराने वाले घास दिखी घास खा रहे हैं घास खाने के लिए। युवक भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए काफ़ी लोग होते हैं, सुविधाएं तो हैं। अब धीरे धीरे ये बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है और लोगों की पहली पसंद है। हम आपको कई चीज़ें आज ऐसी दिखाएंगे कि आप सोचकर हैरान होंगे कि करनाल में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ फ्लैट मकान के ऊपर मकान बने हुए हैं, एक अच्छी बढ़िया सोसाइटी बनी हुई है और लोग काफ़ी संख्या में अब वो लोग रहते भी हैं। तो चलिए अब आपको सेक्टर 32 की खूबियों के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ लोग किन परेशानियों में हैं और लोगों को किन सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज समाचार एक्सप्रेस की जो टीम है हम आपको सेक्टर 32 जिसे अब पाश इलाका कहा जाता है, बड़ी महंगी कोठियाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं मेरे अगल बगल में, हम आपको कुछ दिखाएंगे भी। लेकिन लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, क्यों हो रही है? लोगों ने इसकी आवाज़ जो है डीसी के दरबार में भी उठाई है, कई अधिकारियों को सूचित भी किया है, हालांकि बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ नूर महल में आना जाना रहता है, कई मंत्री तक आ चुके हैं, बावजूद इसके जो है लोगों की समस्याएं जो है सुनने में प्रशासन को दिक्कत हो रही है। जहाँ हमारे कैमरामैन खड़े हैं उसके पास एक मैदान है, देखिए खाली जगह पड़ी है उड्डा विभाग की, आप देखिए कितनी बड़ी कांग्रेस घास हो गई है यहाँ पे। आप जानते हैं कांग्रेस घास को एक एलर्जी का एक व्यू माना जाता है कि इसमें चलने पर एलर्जी हो सकती है और ये बड़ी खतरनाक है। अब इसे उखाड़ने का जिम्मा किसके पास है? जाहिर सी बात है कि हुड्डा विभाग के पास होगा। अब इसकी सफाई होनी चाहिए लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। अब इतनी इतनी बड़ी घास अगर उगेगी तो उसमें कई तरह के जानवर भी आ जाते हैं, लोग रात के शाम के समय कई जैसे आजकल बारिश का मौसम है, सांप वगैरह या दूसरे जानवर जो लोगों के लिए घातक हो सकते हैं। आप देखिए युवा जो है यहाँ स्कूटर सीख रहे हैं, यहाँ का यानी कि यहाँ आना उनके लिए एक ऐसा माना जाता है कि वो शायद समझते हैं कि यहाँ घूमना अच्छा लगता है। बेटा कहाँ से हो? हाँ जी हम यहाँ पीछे से ही है, सेक्टर 8 से। घूमने के लिए आते वैसे हम यहाँ टहलने के लिए आ जाते हैं। अच्छा लगता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कौन सी क्लास में? +1। हाँ जी। आपको भी अच्छा लगता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आप रोज आते हो? नहीं नहीं, आज ही आया। बंद करते हैं इसको देखने का? सभी दोबारा आ जाते हैं टहलने। टहलने? ये खुली जगह इसलिए? हाँ जी। ठीक है, भाई युवा भी कह रहे हैं। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है वो स्कूटर चला रहा है। अब इस तरह का नज़ारा जो है ना, मतलब कोई रूटीन वर्क हो गया है। बेटा कहाँ से हो? नहीं सर, बैक साइड में। सेक्टर 8। क्या यहाँ घूमने आते हो, खेलने के लिए आते? नहीं सर, घूमने आते हैं। वैसे हाँ जी, जैसे क्रिकेट का मैदान है, कभी आप क्रिकेट भी खेले हो? नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं। राखो, क्या घूमना अच्छा लगता है? यस। क्यों, किस लिए अच्छा लगता है? बस वैसे खुला एरिया है नॉर्मली। देखिए छोटे बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि ओपन एरिया है इसलिए यहाँ घूमना अच्छा लगता है। अब लेकिन यहाँ जो भेड़ बकरियाँ जो भेड़ें बकरियाँ जानवर
बड़े बड़े घोड़े किस्म के यहाँ जानवर जिस तरह से एक गांवों के लोग जैसे लेके आ जाते हैं चरगाह, ये आजकल लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिससे लोग चोटिल भी हो चुके हैं। अब यहाँ कई सड़कों की हालत भी ख़राब है, वो भी हम आपको दिखाएं, लेकिन कई सड़कें इतनी अच्छी बनाई गई हैं कि उसमें प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए, हुड्डा की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन हुड्डा विभाग को, प्रशासन को, जो लोगों को दिक्कतें हैं वो भी समझनी पड़ेंगी, तभी यहाँ इसको पास इलाके में लोगों का मन करेगा। अभी कई प्लॉट जो हैं बन रहे हैं, कई खाली पड़े हैं और कई बना भी रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब लोग नज़ारा देखते हैं तो फिर ये नकारात्मक बात किस तरह टेलीफोन के जरिए, आजकल तो सोशल मीडिया आपने जानते हैं, काफ़ी मिनट में बात पहुंच जाती है, तो इस तरह की लोग अब बात करने लगे हैं कि यहाँ अब जो है ना वो पहले वाले हालात नहीं है। तो मेरा हुड्डा विभाग से और जिला प्रशासन से, खासतौर पर करनाल के डीसी से ये आग्रह है कि समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से वो लोगों की यहाँ सुनवाई करें और जो लोगों की दुख तकलीफें हैं वो भी दूर करें। तो चलिए हमारे साथ आज हम आपको सुनवाएंगे कि यहाँ सेक्टर 32 के रहने वाले लोग किस तरह तकलीफ में। एक मिनट जो बता, देखिए मैंने आपको कहा था कि शाम अब 6 बज चुके हैं और जैसी शाम होती है, सुबह तो यहाँ रश होता ही है, शाम जैसी होती है तो आजकल का युवा वर्ग है, आपको पता है पेट्रोल भी बड़ा महंगा है और बच्चे जो है कई फैटी भी हो गए हैं, इसलिए अब बच्चों को ये लगता है कि साइकिलिंग के माध्यम से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पेट्रोल भी बचेगा और उनका शरीर भी स्वस्थ होगा। दो बच्चे हमारे सामने, उनसे बात करेंगे। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? रॉयल रेजिडेंसी। बेटा रोज़ साइकिलिंग करते हो? हाँ जी। अच्छा लगता है? हाँ जी। यहाँ कब, इस सेक्टर 32 में कितने समय से आ रहे हो बेटा साइकिलिंग करने? अभी 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। तो यहाँ आवारा जैसे पशु घूमते रहते हैं, उनसे कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको? कभी कभी हम मुड़ जाते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं तो। जो बड़े घोड़े जैसे चल रहे हैं यहाँ, आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा कौन सी क्लास में? कहाँ वाले? जैसे कोई घोड़ा हॉर्स आ जाता है या भीड़ बकरी आ जाती है, तो आया कोई ऐसा आपके सामने इंसिडेंट? ऐसा होता तो नहीं है, अगर डॉग्स आते तो मुड़ जाते हैं तो बस, और कुछ नहीं होता, अगर हॉर्स आते हैं तो मुड़ जाते हैं। प्रोफेसर जगपाल मलिक। आप मलिक साहब, आप कहाँ रहते? यही नूर महल के सामने। क्या दिक्कत है मलिक साहब यहाँ सेक्टर 32 में, अब क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा है जी, 32 सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ जो पालतू घोड़े और भेड़े हैं वो आसपास के लोग सब यहाँ चराने के लिए आते हैं। थोड़ा है, मैं ऊँचा बोल पड़ूंगा, तो यहाँ चराने के लिए आते हैं। आवारा पशुओं की नहीं है कोई दिक्कत, हर रोज़ लगभग 1000 के लगभग घोड़े और 500-400 भेड़ें आती हैं और कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और पूरा दिन पूरे सबको, जो यहाँ के लोग हैं सबको डिस्टर्ब रखते हैं। काफ़ी उनको समझा भी लिया है, प्रशासन की तरफ कोई वो नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो पालतू घोड़े और पालतू भेड़ें जो है इस सेक्टर 32 के अंदर पूरा दिन घूमती हैं, यहाँ तक कि 50-40 घोड़े तो ऐसे हैं जिनको रात को रह जाते हैं यहीं पे, लेके भी नहीं जाते वो, तो उनका प्रबंध करे, उनकी ऐसी करे, क्योंकि कई बार यहाँ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और इतनी गंदगी फैलाते हैं पूरे सेक्टर में, सारा दिन सड़कों पर आने जाने में सबको बड़ी कठिनाई है। एक तो ये समस्या, दूसरी समस्या जो है सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उड्डा कर्मचारी आते हैं वो लगभग 10 दिन के अंदर एक बार सफाई के लिए आते हैं। आपने उड्डा विभाग में शिकायत की है कोई? उड्डा विभाग से हम मिले हैं, लिखित रूप में नहीं की है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया सिर्फ, बाकी उसके लिए साहब लिखित रूप से देनी चाहिए। हाँ, लिखित रूप से हमने नहीं दिया है, वैसे उनको मिल के बताया। हाँ जी। इसके अलावा और कोई परेशानी है? सुरक्षा तो नहीं? सुरक्षा तो है। हाँ सुरक्षा है, सुरक्षा कोई वो नहीं है, असुरक्षा कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट है वो लगभग ज़्यादातर बंद पड़ी रहती है, स्ट्रीट लाइट की भी बड़ी समस्या है, मेन समस्या से मैं प्रशासन से। आपकी गली में है स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट है लेकिन जलती नहीं। ठीक है मैम सर। देखिए अब मैं करनाल में एक ऐसी जगह भी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ
ऊंची इमारत बनी है, बिल्डिंग है, यानी कि फ्लैट में लोग रहने लग गए। ये भी एक करनाल में एक नया ट्रेंड चला है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो फ्लैट की तरफ अपना कैमरा जरूर करें। यहाँ अब करनाल के बाशिंदे जो हैं कोई सेक्टर 13 से, कोई 7 से, कोई 8 से घूमते हुए आ जाता है और अब यहाँ रहने लग गए हैं। लेकिन यहाँ ये भी सेक्टर 32 में पड़ता है, अच्छी बात है कि डेवलप हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि लोग आगे कैसे आएंगे अगर यहाँ सुविधाओं का अभाव होगा। यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके पास चलूँगा। सर आपका क्या नाम है सर? सुरेश। सुरेश जी आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहाँ नहीं रहता, सैर करने आते हैं लगभग यहाँ शाम। सैर करने आते हैं यहाँ पे? हाँ, साइकिल। यहाँ कभी आपको कोई किसी चीज़ की दिक्कत आती है जैसे जानवर वगैरह घूमते? हाँ, गाय वैसे तो यहीं घूमती रहती हैं, घोड़े भी। हाँ आज बल्कि साफ है, अदरवाइज तो गोबर वगैरह काफ़ी चीज़ें इधर सही यूज़ होता है। हाँ इधर सही यूज़ होता है ज़्यादातर। हाँ ज़्यादातर आप साइकिलिंग करने के लिए आते हैं? अच्छा लगता है, मतलब खुला एरिया। हमको थोड़ा हेल्दी रहना है अब कोरोना, ड्यू टू कोरोना। सुरेश जी ने भी बताया कि वो हेल्दी रहने के लिए यहाँ साइकिल चलाना पसंद करते हैं, कि लोगों की पसंद तो है, सेक्टर 32 लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ एक शख्स और करने। सर आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट जेसी चावला, जगदीश चावला। मैं यहाँ रॉयल रेजिडेंसी का वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ। कितने लोग रहते होंगे सर यहाँ? 60 परिवार रह रहे हैं। 60 परिवार? जी 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 जी। सर यहाँ प्रॉब्लम क्या है मेन सेक्टर 32? सेक्टर 32 बहुत सुंदर सेक्टर है, बड़ा खुला है, हवादार है, बनावट बहुत अच्छी है, परंतु जहाँ तक यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई भी यहाँ रात्रि की पेट्रोलिंग या दिन की पेट्रोलिंग नहीं है। दूसरा, इस तरफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। तीसरा, यहाँ घोड़े, भेड़, बकरियाँ ये लोग चराने अक्सर आते हैं, उन पर भी कोई संयम या कंट्रोल नहीं रखा जाता। इसके अलावा ये नूर महल यहाँ की एक गैलोरी है, एक शान है 32 सेक्टर की। इधर रॉयल रेजिडेंसी और इधर नूर महल, इसके बीच में आप देख रहे हैं 2-2.5 एकड़ जगह है। ये 15-20 साल से ये बिल्कुल ऐसे पड़ी है, डंपिंग ग्राउंड बन गया, बहुत कीमती जगह है। इस पर हुड्डा के अंडर आती है या नगर निगम के अंडर आती है, यहाँ पार्क इसे डेवलप कर सकते हैं या कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बना सकते हैं, परंतु इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, बल्कि यहाँ विषैले कीड़े पैदा होते हैं। तो ये सबसे बड़ी रॉयल रेजिडेंसी वालों की ये समस्या है। दूसरा, ये सड़क आप जो देख रहे हैं 2 साल से, ये सड़क और सीवरेज, ये 2 साल से, अब कल जाकर इस पर दोबारा काम स्टार्ट हुआ है, ये पेंडिंग है इस पर काम। ये सड़क ख़राब कैसे हो गई? ये ख़राब नहीं थी, इसे कंक्रीट की बनाया जा रहा था, डबल बनाया जा रहा था, परंतु एक ठेकेदार भाग गया, फिर दूसरा भाग गया, अब फिर कल इस पर काम स्टार्ट हुआ है। 2 साल से इससे बड़ी दिक्कत हुई हमें। चलो जी, आपके आपने बताया कि आप वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आपने इसकी कोई लिखित में शिकायत या हुड्डा विभाग को या डीसी साहब को? कई बार मिले हैं हुड्डा वालों के, ये तभी जाके ही काम स्टार्ट हुआ है दोबारा, और वो अब उसका ये नहीं पता लगा कि वो नगर निगम की है या हुड्डा की जगह है। ये जो 2.5 एकड़ के लगभग पड़ी है वीरान में, जिसकी भी है तो सरकार की, चाहे हुड्डा की हो चाहे नगर निगम की हो, तो अगर उसे डेवलप किया जाए तो उसमें 32 हेक्टर के उसमें 4 चांद लग जाएंगे। एक तरफ नूर महल हो जाएगा, एक तरफ रॉयल रेजिडेंसी, और बीच में एक सुंदर पार्क बन जाए, मनोरंजन पार्क बन जाए, या कोई और भी गतिविधि वहाँ हो तो बहुत सुंदर लगेगा। आपने पेट्रोलिंग, आपके इधर सामने घास वगैरह, कांग्रेस घास बहुत होगी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है हुड्डा का, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, घास ही घास है यहाँ। जी जी। सड़कें वगैरह ठीक है? सड़कें लगभग ठीक हैं, परंतु जैसे 32 सेक्टर को बनाया गया, इसका रख रखाव वैसा नहीं है। चावला जी भी बता रहे हैं कि सेक्टर 32 का रख रखाव ठीक नहीं है, जिस तरह से बनाया गया था उस तरह की सुविधाएं जो हैं हुड्डा विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा बहुत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जिस तरह से कांग्रेस, हालांकि बता रहे हैं कि खुला एरिया, लोग आना पसंद करते हैं। अब चावला जी ने एक सवाल और उठा दिया, इससे पहले एक बुजुर्ग थे मलिक साहब, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने मेनली तो आवारा जो पशु हैं उनकी बात बताई थी कि ग्रामीण किस तरह से आ जाते हैं। अब चावला जी ने असुरक्षा की बात बताई है कि पेट्रोलिंग नहीं है। अब इस तरह की जो तमाम बातें हैं, ये सेक्टर 32 अब धीरे धीरे उठने लगी हैं, यानी कि लोगों को पता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लोग अधिकारी उससे संपर्क में भी आते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि हुड्डा विभाग सोया हुआ है और हुड्डा विभाग इन समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। चाहिए तो यह है कि हुड्डा विभाग स्पेशल जिला पुलिस को, करनाल पुलिस को ये लिखित में पत्र भी दे कि यहाँ पेट्रोलिंग जरूर होनी चाहिए, और वैसे भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरफ बाहरी तरफ सारे जंगल हैं और इधर गांव पड़ते हैं, और ये एक तरफ से खुला एरिया है, यहाँ किसी भी समय कोई वारदात हो सकती है। भविष्य में इस तरह की वारदात ना हो
तो हमारा भी समाचार एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से आग्रह जरूर है कि वो रात की पेट्रोलिंग जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।